हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मूंग दाल का चीला। हम लेंगे मूंग की दाल, उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे, फिर हम उसका पेस्ट बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हम 2 अलग अलग स्टफिंग लेंगे, पनीर की स्टफिंग एंड मटर और आलू की स्टफिंग जो हमने बना के रखी हुई है। इसके बाद हम तवा गर्म करेंगे, तो लगाएंगे घी। हमारा जो पेस्ट बना हुआ है उससे हम बनाएंगे चीला, उसको तो हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक। देन हम इसमें करेंगे स्टफिंग, ये दोनों साइड से सिक गया है, उसमें स्टफिंग करेंगे पनीर की। स्टफिंग के बाद हम उसे फोल्ड कर देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। देन हम बनाएंगे दूसरा चीला, सेम प्रोसेस। देन ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, दोनों साइड से सेकना है। हम इसमें भरेंगे मटर, मटर भरने के बाद हम इसको भी फोल्ड कर देंगे। ये भी हमारा रेडी है। और चीला जिसमें हमने पनीर की स्टफिंग की है, क्योंकि फर्स्ट वाला इतना अच्छा हुआ नहीं था, फोटो अच्छी नहीं आती। देन हम बनाएंगे चटनी सर्व करने के लिए चीला के साथ। और ये हमारे चीले हो गए हैं रेडी। इसमें हमने भरी है मटर, इसमें हमने भरा है पनीर की स्टफिंग, एंड ये है कोरिएंडर चटनी। If you like the recipe, please like my video and you can also follow me on Instagram. Thank you.